हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है, टू हार्ट हाइट वुड वाटर राइज इन अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ 0.01 mm डायमीटर, व्हाट इज द वाटर प्रेशर जस्ट अंडर द मेनिस्कस इन द कैपिलरी ट्यूब। तो दोस्तों, हमको पता है कि डायमीटर यहाँ पे डी दे रखा हुआ है, कितना 0.01 mm दे रखा हुआ है। तो हमको पूछ रहा है, आराम से बात पूछ रहा है कि ग्लास ऑफ कैपिलरी मतलब कि वहाँ क्या होगा, कैपिलरी हाइट क्या होगी। हमने सवाल वगैरह से हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वो कुछ इस प्रकार पढ़ा है कि एच सी इक्वल टू होता है 4 TS अपान गामा डब्ल्यू इंटू टी सी। आपने हाइड्रोलिक्स में कुछ यही पढ़ा होगा दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह है यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे टी एस क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है, और गामा डब्ल्यू हमारा क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है। डी सी हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, जो यहाँ पे हमको दे रखा हुआ है डी सी। सभी कॉलम हम यहाँ पे रखते हैं। पहले हम मानते हैं क्या है कि सरफेस टेंशन हमारा क्या है, 73 × 10⁻⁶ न्यूटन पर mm, और हमारा जो गामा डब्ल्यू है 9.81 × 10⁻⁶ न्यूटन पर mm³। वही दोनों वैल्यू हम यहाँ पर रखे हैं, 4 TS वैल्यू हमने यह रखा और 9 गामा डब्ल्यू वैल्यू हमने रखा 9.81 × 10⁻⁶, और डी सी यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग क्या डी सी मतलब कि डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब, तो यहाँ पे 0.01 mm है, 0.01 यहाँ पर रखा, तो आई भाई mm में। इसको सॉल्व करें दोस्तों, 30/0.01 mm, तो ये हो जाएगा 3000 mm। दोस्तों आपको बता दें, इसका सिंपल फॉर्मूला है, जब दोस्तों इतने का टर्म को हम सॉल्व करते हैं इजी वाले, ये सभी कांस्टेंट है, तो ये हमारा आता है एच सी इक्वल टू, आप आसानी से लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 30/dc। ये दोस्तों आप फॉर्मूला याद रखिए हमेशा, ये बार मान लेते हैं आपको नहीं याद रहेगा, लेकिन ये याद रहेगा 30/dc। अब ये mm में होगा तो mm में आएगा, अगर इसको आप मीटर रखेंगे तो मीटर में आ जाएगा। ठीक, कुछ इसी प्रकार क्वेश्चन होता है। वैसे तो हमको यहाँ पे इसको mm में रखना है और हमको mm में आंसर ला देना है, तो 30/, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने वैल्यू रखी तो यार 3000 mm, तो ये हो गया हमारा 3 मीटर के बराबर। अब 3 मीटर के लिए हमको यहाँ पे कैपिलरी हाइट हो गई, अब इसके लिए हमको क्या करना है, प्रेशर निकालना है। तो जो वेट प्रेशर होगी हमारी वो इतने mm में होगी, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिए 3000 mm। अब हमको पता है प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच या फिर जी एच, रो जी तो यहाँ पे दिया हुआ ये है 9.1, तो हम इसको बोल सकते हैं गामा इंटू एच, गामा डब्ल्यू इंटू हाइट, वही चीज हम यहाँ पे निकालेंगे। ये हमारी एच हो गई हमारी 3 मीटर और गामा डब्ल्यू हो गया हमारा 9.81 kN/m³। तो यहाँ से हमको जो प्रेशर निकल के आता है वो आता है 29.43 kN/m² दोस्तों। इस प्रकार हमको यह दोनों चीज जो पूछा था वो सॉल्व होता है दोस्तों। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।